गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले व गोरखपुर महोत्सव में डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप लॉन्च किया गया था, जिससे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगती है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से निर्धारित स्थान पर समय से पुलिस कर्मी पहुंचे हैं या नहीं, ये सब पता चल जाएगा, तथा जो लोग ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंचते हैं उन लोगों को स्थान पर पहुंचने के लिए सूचना दी जाती है, नहीं पहुंचने पर गैरहाजिरी लगती है। उन्होंने कहा VIP ड्यूटी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया जा चुका है। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले तथा गोरखपुर महोत्सव में इस ऐप के माध्यम से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से पुलिस कर्मियों को ड्यूटी का स्थान आसानी से पता चल जाता है, तथा आने वाले दिनों में इसको आधुनिक बनाने के लिए विद्यालय के छात्रों का सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा देखिए ये DDMS ऐप हमने लॉन्च किया था, डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत जो पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगती है उसका अक्षांश और देशांतर हम लोग पहले से ही पता कर लेते हैं, फिर जब पुलिस कर्मी उस स्थान पे पहुंचता है किस समय पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने वहाँ कार्रवाई की कि नहीं, इन सब की मॉनिटरिंग की जाती है हिसाब से। और इसके जो बैकएंड है उस पर एक व्यक्ति चेक करता रहता है, अगर वो नहीं पहुंचता है तो RTSET के माध्यम से हम लोग ये उस तक सूचना पहुंचाते हैं कि समय से अपने ड्यूटी पे पहुंचे, अन्यथा गैरहाजिरी लिखी जाएगी। तो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये अभी गोरखपुर में हम लोग चला रहे हैं, खास करके जब VVIP ड्यूटीज़ होती हैं और उसमें हमने यूज़ किया है इसको, और आगामी गोरखपुर महोत्सव और खिचड़ी मेले में भी हम इस ऐप का प्रयोग करेंगे। कितना कारगर साबित होगा? देखिए अभी तक तो बहुत कारगर साबित हुआ है, खास करके प्रधानमंत्री विजिट में इसमें ट्रैफिक की जो समस्याएं पहले आती थी कोई समस्या नहीं आई इस बार, और सब लोग ड्यूटी स्थान पे पहुंच गए, सबको ड्यूटी स्थान पता चल जाता है इससे। कई बार लोग ड्यूटी का स्थान पता करने में एक दूसरे से पूछते रह जाते हैं, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती, उसे गूगल मैप मिल जाता है जो तत्काल वो अपने ड्यूटी के स्थान पर पहुँच जाता है। तो काफ़ी कारगर है और इसमें थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट भी किए जा रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इसको और बेहतर किया जाए, ताकि गोरखपुर पुलिस और UP पुलिस में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नए नए जो इनोवेशन है उसको ला सकें।